हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं अपनी नाइट वाली फोटोज को एडिट। मतलब रिसेंटली मैंने ये कुछ फोटोज क्लिक की थी इस व्लॉग में, यहाँ पे हमने रात को फ्लैशलाइट यूज करके कुछ फोटोज को क्लिक किया था। एंड आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि यार इस टाइप की फोटो को आप कैसे एडिट करते हो, मतलब जो फ्लैशलाइट वाली फोटो जो आप अंधेरे में क्लिक करते हो जहाँ पे आप किसी ना किसी लाइट का यूज करते हो, तो उन फोटोज को आप कैसे एडिट कर सकते हो। एंड मेनली अपनी फोटो में जो स्काई होता है ना उसको आप ब्लू टोन में कैसे कर सकते हो, क्योंकि आजकल मेरी बहुत सी फोटो में इस टाइप में टोन डालता हूँ, स्काई को बिल्कुल ब्लू कर देता हूँ। एंड वो हम कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आते हो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसी कमाल की वीडियोस में डालता ही रहता हूं। एंड इस वीडियो को आप लाइक करो, फिर फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस टाइप की फोटोज अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आपको फोटोज भी इसी टाइप से क्लिक करनी पड़ेगी, मतलब जिसमें आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो लेकिन आपके सब्जेक्ट पर लाइटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। अब इसका फायदा ये होता है ना कि बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है, मतलब उसका लुमिनेंस ऑलरेडी डाउन है, तो उसमें आप कोई भी कलर डालो तो वो बहुत अच्छा सा लगेगा। जैसे आप देखिए जो भी फोटो हम फ्लैशलाइट में क्लिक करते हैं उनका बैकग्राउंड मतलब बहुत डार्क रहता है एंड थोड़ा सा ग्रे कलर में रहता है, बट उस ग्रे कलर को हम चेंज करके ब्लू बना लेते हैं एंड फोटो हमारी बहुत ही ऑसम लगती है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको दो फोटोज अपनी एडिट करके दिखाऊंगा। ये दोनों फोटोज बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये दोनों फोटोज बहुत बेस्ट है क्योंकि दोनों हमने लाइट का यूज किया था एंड दोनों की एडिटिंग लगभग सिमिलर थी, सेम कलर टोन इसमें थी। तो कैसे मैंने इन दोनों फोटोज को एडिट किया ये आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट अगर आप उन लोगों में से जिनको की पूरी एडिटिंग सीखनी है एंड कोई भी चीज मिस नहीं करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा एंड दोनों फोटोज हम बहुत अच्छे तरीके से एडिट करेंगे। एंड हाँ, एक और चीज, अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हो, आप लोगों को एडिटिंग नहीं भी आती, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ईजी होने वाली है क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से एंड बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा कैसे आप इस टाइप की फोटो अपनी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस बाइक वाली फोटो को एडिट करते हैं। एंड इसमें आप देखिए बहुत ही मस्त हमने एडिटिंग की थी, मतलब आगे से सब्जेक्ट पे जो लाइट आ रही थी एंड जो बाइक पे लाइट थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इसको एडिट किया था लाइट रूम मोबाइल के अंदर। ओके तो यहाँ पे ये देखिए हमारी फोटो लाइट रूम मोबाइल के अंदर है। यहाँ पे सबसे पहले इसको बेसिक कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो आप देखिए फोटो बहुत ज्यादा ये ओवर एक्सपोज लग रही है, मतलब फेस बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है एंड बैकग्राउंड में एक कलर है, मतलब उसका कोई सैचुरेशन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ डार्क डार्क है बैकग्राउंड में, इसको हम चेंज करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से लाइट्स में एंड इसका हाईलाइट हम कम करते हैं क्योंकि यहाँ पे फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। तो देखिए जैसे मैं हाईलाइट कम करूँगा तो ये लाइट हमारी वापस आ जाएगी, डिटेल हमारे फेस की वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं कि हमने हाईलाइट्स को रिकवर कर लिया है एंड यहाँ से हम शेडोज़ को भी थोड़ा रिकवर कर लेते हैं क्योंकि शेडो बहुत ज़्यादा लग रही है कहीं कहीं पर। इसको मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ एंड इससे होता क्या है ना कि फोटो मतलब थोड़ी फीकी सी लगती है, इसका कॉन्ट्रास्ट खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक्स को थोड़ा कम करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट हमारा वापस आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं करूँगा वो है फोटो क्रॉप करूँगा पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालनी है फोटो तो 4:5 में करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 4:5 एंड इसका इतना पार्ट क्रॉप कर लेते हैं एंड डन। सो भाई यहाँ पे अब मेन चीज़ करते हैं कि जो हमने बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लू इफेक्ट डाला वो कैसे डालना है। यहाँ से चलेंगे कलर्स के अंदर एंड सबसे पहले इसका वाइब्रेंस बढ़ाएंगे। तो आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड में एक कलर दिखने लग जाएगा लेकिन ये ब्लू कैसे होगा, आपको क्या करना है इसका टेम्परेचर कम कर लेना है। तो देखिए ये ब्लू हो चुका है बट हमारे फेस पे भी थोड़ी बहुत कलर आ रहा है, इसको हम सही कर लेंगे, डोंट वरी, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं। एंड अब चलते हैं मिक्सर के अंदर एंड जो हमारी स्किन का कलर है इस पर हम चलते हैं, इसका हम लुमिनियस बढ़ाते हैं थोड़ा सा एंड इसका हम सैचुरेशन भी बढ़ाते हैं एंड इसका ह्यू चेंज करेंगे। इसका ह्यू हम थोड़ा सा इस साइड रखेंगे एंड जो ये येलो कलर है इसका भी हम ह्यू थोड़ा माइनस साइड रखेंगे ताकि हमारे फेस पे जो है ऑरेंज कलर आ जाए एंड येलो थोड़ा सा कम हो जाए। इसका भी हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं एंड अब आते हैं अपने मेन ब्लू कलर पे। तो ये रहा ब्लू, इसका हम यू चेंज करेंगे एंड ये देखिए मस्त ये ब्लू हो चुका है। इसका आप लुमिनियस भी थोड़ा कम कर सकते हैं एंड इसका आप सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस पर हम और चलेंगे एंड इसको भी कर लेंगे कम और इसको हम थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं। तो मस्त देखिए टील वाली लुक जिसमें आ जाएगी। तो देखिए बैकग्राउंड पूरा ब्लू हो चुका है एंड पूरी फोटो में मस्त ब्लू वाली टोन आ चुकी है लेकिन हमारी स्किन यहाँ पे ख़राब सी लग रही है, उसको हम कैसे ही करेंगे। इसको डन करते हैं एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं सेलेक्टिव टूल का। तो सेलेक्टिव में चलेंगे, फोटो को जूम कर लेते हैं एंड अपने फेस के अराउंड जस्ट हम ऐसे ब्रश बना लेंगे एक। ओके जहाँ पर आपकी स्किन का पार्ट है वहाँ पर आपको ऐसे ब्रश से पेंट कर लेना है। ओके एंड अब हम क्या करेंगे, कलर्स में चलेंगे, इसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे सो हमारी स्किन पे कलर वापस आ जाएगा एंड इसका हम टिंट भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये रेड टोन में हो जाए एंड आप इसका सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हो। सो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी सही लग रहा है एंड आप चाहो तो इसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये फेस थोड़ा डार्क लगे। तो मैं इसका बहुत ही हल्का सा बढ़ा रहा हूँ एंड इसको कहते हैं डन। तो देखिए यहाँ पर पूरी फोटो में मस्त हमारा कलर आ चुका है एंड स्किन भी हमारी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कलर वापस आ चुके हैं स्किन के। सो अभी इसके बाद हमें एक दो चीज़ें और करनी है एंड वो क्या है, आपको चलना है यहाँ से इसके अंदर एंड कलर ग्रेडिंग का एक टैब होता है, इस पर जाएंगे एंड यहाँ पे हाइलाइट्स के लिए हम कलर चूज़ करेंगे। तो हाईलाइट पर मैं क्लिक करूँगा एंड पहले मैं इसका सैचुरेशन बढ़ा लूँगा एंड इसके लिए कलर देखते हैं कौन सा रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से येलो कलर रखूँगा
एंड देखिए मस्त हमारा फेस येलो टोन में हो रहा है एंड बैकग्राउंड भी काफ़ी मस्त ब्लू टोन में है। एंड इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इसको हम थोड़ा सा इतना रखेंगे एंड डन। इसके बाद हम एक दो चीज़ें और करते हैं, जैसे यहाँ से विनियर थोड़ा ऐड करते हैं तो हमारी एजेस थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और लग रही है, मेरे हेयर थोड़े ज़्यादा ब्लू लग रहे हैं, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये जो हमने बनाया था यहाँ से इस पर सेलेक्ट करते हैं इसको एंड इस पर दोबारा से पेंट करते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे हेयर्स पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए एंड जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाए। सो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं पेंट करूँगा हेयर्स पर एंड हमारी हेयर्स की डिटेल वापस आ रही है एंड डन। सो देखिए हेयर्स भी हमारे सही हो गए, स्किन भी सही हो चुकी है एंड ओवरऑल पूरी फोटो मस्त लग रही है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से इसका वाइब्रेंस थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, ताकि और कलर्स हमारी फोटो में आ जाए एंड फोटो थोड़ी सी बॉम्ब दिखने में आए। इसके बाद आपको अपनी फोटो में स्किन वगैरह स्मूथ करनी होती है एंड उसके लिए हम पिक्सआर्ट का यूज़ कर सकते हैं एंड पिक्सआर्ट में हम एक दो चीज़ें और भी करेंगे इसके अंदर। तो अभी के लिए इस फोटो को यहाँ से करते हैं सेव एंड सेव टू डिवाइस एंड लेके चलते हैं इसको पिक्सआर्ट के अंदर। सो हियर वी आर इन पिक्सआर्ट मोबाइल एंड यहाँ पे सबसे पहले स्किन को आपको स्मूथ करना है। तो स्किन को कैसे स्मूथ करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूँ, मतलब जो शॉर्टकट है, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो हीट टच पे चलते हैं एंड स्किन को जूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमें ब्लेमिशेज है इनको रिमूव करना है, तो ब्लेमिश पे चलते हैं एंड इस पर जस्ट आपको टैप करना है इसे, तो ये इसको रिमूव कर देगा। इसके बाद क्या करना है हमें, इसको डन कर लेते हैं एंड स्किन को हम स्मूथ कर दें। स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे एंड ये भी ऑटोमेटिक कर रहा है, तो देखते हैं जूम करके क्या इसने सही काम किया या नहीं। सो आई थिंक ऑटोमेटिक भी सही है, बट आप अगर मैनुअली करो तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं एंड वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस चीज़ के ऊपर, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में कहीं भी मिल जाएगा। तो सिंपल स्किन को स्मूथ करना, इसको कहते हैं डन। एंड इसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आपको बताता हूँ, इस फोटो में मैंने एक बाइक पर लाइट आगे ऐड की थी, मतलब बाइक हमारी बंद थी लेकिन फिर भी हमने इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट डाला था कि हमारी ऐसा लग रहा था कि बाइक की हेडलाइट जल रही है। वो आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, आपको जस्ट एक लाइट पीएनजी यहाँ पे लगानी है। तो सिंपली आपको ऐड फोटो में चलना है एंड यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना लाइट का पीएनजी। अब आपको ध्यान रखना है लाइट पीएनजी जब आप सिलेक्ट करो तो वो आपकी बाइक पे परफेक्टली मैच हो जाए। वैसे आई सजेस्ट कि आप इस वाले पीएनजी को यूज़ करना, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट इसी चीज़ के लिए बना रखा है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ब्लेंड में चलते हैं एंड इसको रखते हैं स्क्रीन एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड आई थिंक इतना बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं डन एंड सी, पूरी फोटो में ऐसा इफेक्ट आ रहा है जैसे बाइक पे हमारी लाइट जल रही है एंड काफ़ी सही लग रहा है, मतलब ये देख के। तो पूरी फोटो की ओवरऑल लुक बहुत अच्छी बन चुकी है एंड इसमें अगर आपको थोड़ा कुछ और करना हो फोटो में, तो आप इसको जो है डॉज एंड बन कर सकते हैं एंड आपकी फोटो और ज़्यादा अच्छी बन सकती है। एंड मैंने जो फाइनल फोटो अपनी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने डॉज एंड बन किया था एंड थोड़ा बहुत फेस को भी रिसेप किया था एंड हेयर्स को भी थोड़ा बहुत एडिट किया था। तो ये सब अगर आपको इस वीडियो में बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वैसे मैंने इन सभी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रखी है, आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा। ओके सो भाई ये हमारी एक फोटो एडिट हो चुकी है बाइक वाली, आई होप आप लोगों को ये फोटो अच्छी लगी होगी। अब अपनी दूसरी फोटो एडिट करते हैं ये वाली फोटो एंड लेट मी टेल यू, ये फोटो जब हमने क्लिक की थी उससे हमने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की एंड मतलब उनमें से एक फोटो मेरे को ये थोड़ी सी अच्छी लगी, बट ये फोटो मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी हिल रखी थी फोटो, मतलब इसमें थोड़ा सा शेक था क्योंकि हमने शटर स्पीड 200 रखी हुई थी एंड फ्लैश लाइट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो 200 पे ना मतलब हाथ हिल गया था फोटो खींचते हुए, तो फोटो में थोड़ा सा शेक आपको दिखेगा, बट फिर भी इस फोटो में मतलब लाइटिंग्स कलर्स ये सब ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको एडिट किया एंड एडिट करके ये फोटो बहुत अच्छी बन गई थी। चलिए अब जानते हैं कैसे हमने इसको एडिट किया। सो भाई यहाँ पे ये आ चुकी है हमारी दूसरी फोटो एंड आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इस फोटो के लिए, क्योंकि ये फोटो बहुत ही कमाल की हमारी एडिट हुई थी एंड ये फोटो क्लिक हमने कुछ स्टेप से की थी, आप देख सकते हैं। सामने से बिल्कुल फ्रंट से हमने एक फ्लैश लाइट का यूज़ किया था एंड इसलिए फोटो में लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है एक पॉइंट पे एंड पीछे बिल्कुल डार्क है क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो चुका था उस टाइम पे। तो इसको हमने कैसे एडिट किया था, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे चलते हैं लाइट्स के अंदर एंड जो ओवर एक्सपोज पार्ट है इसको हम रिकवर कर लेते हैं पहले। तो हाईलाइट्स को मैं कम करूँगा एंड फोटो में देखिए लाइट्स हमारी बहुत अच्छे से मैनेज हो चुकी है। इसके साथ मैं इसके शेडो को भी बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो इससे बैकग्राउंड थोड़ा हमारा ब्राइट अप हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट पे भी थोड़ी बहुत अच्छी लाइट आ रही है, तो अभी के लिए इसको ऐसा रखते हैं। इसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट मैं कम करूँगा ओके एंड मूव करेंगे अगले स्टेप पे, मतलब कलर्स पे। तो इसका हम वाइब्रेंस बढ़ाते हैं एंड इसका टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस के साइड रखते हैं एंड इसका जो टिंट है इसको थोड़ा सा प्लस के साइड। सिंपल आगे चलते हैं कलर्स में एंड यहाँ से स्किन का जो कलर है ऑरेंज, इसका हम लुमिनस बढ़ाते हैं तो स्किन हमारी थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी एंड थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा यहाँ पे। इसका हम सैचुरेशन भी बढ़ा लेते हैं, स्किन पे हमारे कलर्स वापस आ जाएंगे ओके। इसके अलावा हम क्या करेंगे ना, अपनी फोटो में बाकी जो भी कलर्स हैं इनको हम थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे जो येलो कलर है इसका हम क्या करेंगे सैचुरेशन थोड़ा डाउन कर देंगे। इसके बाद जो ग्रीन कलर है इसको भी हम बिल्कुल डाउन कर लेंगे एंड ये जो टील कलर है ये वाला इसको भी हम डाउन कर लेंगे एंड अब आता हमारे जीन्स वाला कलर ये ब्लू कलर, तो इसको हम थोड़ा सा अप करेंगे ताकि फोटो में ब्लू कलर हमारा वापस आ जाए एंड सी यहाँ पे फोटो हमारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे कलर्स हमने एडजस्ट कर लिए, यहाँ पे अब कलर्स को छोड़ देते हैं लेकिन अभी अब फोटो में करते हैं मेन अपनी लाइट को एडजस्ट। तो उसके लिए हम सिलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे, तो इस पर हम चलते हैं एंड यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे सबसे पहले एंड इस तरह से डालेंगे ऐसे
इसका हम क्या करेंगे, एक्सपोजर कम. सो देखिए ये डार्क हो जाएगा. एंड इसका हम क्या करेंगे, क्लैरिटी भी बढ़ा देंगे एंड हाईलाइट्स भी कम कर लेते हैं. एंड डन. सो देखिए यहाँ से हमारी लाइट कम हो चुकी है. सिमिलरली हमें पीछे से भी करनी है, तो उसके लिए हम दोबारा जाएंगे यहाँ पे एंड सेम एक ग्रेडियंट लेंगे. एंड इसका हम क्या करेंगे, एक्सपोजर कम. एंड इसकी भी क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं. इसका मैं एक्सपोजर और हाईलाइट दोनों कम कर लेता हूँ. एंड डन. फोटो में ऑलरेडी कहीं कहीं से डार्क लगने लग चुकी है फोटो. एंड देखिए लाइट हमारी एक शिफ्ट हो रही है दूसरी साइड से, तो जो कि सही लग रहा है. लेकिन इसको हम अभी और करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा चलेंगे इसमें. एंड इस बार हम ना हाथ से सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, मतलब एक ब्रश ले लेते हैं एंड फोटो को जूम करके एंड नीचे से पेंट करते हैं, पीछे से भी पेंट कर लेते हैं. बेसिकली जो भी पार्ट हमें डार्क करना है उस पर ऐसे पेंट कर लेते हैं स्किन को छोड़ के. ओके सो इतना पार्ट हमें डार्क करना है, तो यहाँ पर चलते हैं. इसका हम एक्सपोजर कम कर लेते हैं. सो देखिए बहुत ही सटल ये लग रहा है एंड मतलब बहुत सही इफेक्ट इससे आ रहा है. देखिए ज़्यादा भी नहीं करना आपको, बिल्कुल इतना करना है कि मतलब पता ना लग पाए कि इसका डार्क क्या हुआ एक्सपोजर. सो इतना आई गेस सही है. एंड इसका मैं क्या करूँगा, क्लैरिटी भी बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा HDR इफेक्ट भी फोटो में आए. एंड डन. सो देखिए अभी हमने अपनी फोटो में लाइट को शिफ्ट कर लिया है. बैकग्राउंड से हमारी लाइट जो है सब्जेक्ट पे आ चुकी है एंड बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क लग रहा है. अब यहाँ पे फोटो में डालते हैं अपनी कलर टोन एंड वो आपको कैसे डालनी है. सिंपली हम ऐसे कलर्स के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन होता है ये वाला कलर मिक्सर का. तो सबसे पहले हम हाईलाइट्स में चलते हैं एंड हाईलाइट के लिए कलर चूज़ कर लेते हैं. तो सैचुरेशन बढ़ा के इसको देखते हैं कहाँ पे रखना है. सो आई थिंक ये यहाँ पे रेड पे एंड येलो पे थोड़ा सही लग रहा है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए. इसके बाद हम जाते हैं शेडोज़ में. शेडोज़ का भी हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं एंड कलर देखते हैं. सो देखिए ये हमारी ब्लू टोन यहाँ पे शेडो के लिए आ चुकी है जो कि बहुत सही लग रही है. तो इसको आपको देखना अपने हिसाब से सैचुरेशन. एंड इतना सही आई गेस. अभी हमारा फेस खराब लग रहा है, डोंट वरी, इसको हम सही कर लेंगे. अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं. एंड हाईलाइट का मैं एक बार देखता हूँ सैचुरेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इतना आई गेस सही है. एंड डन. इसके बाद वापस चलते हैं मिक्सर के अंदर एंड जो हमारे स्किन का कलर है इसका हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं और, ताकि स्किन पे हमारा मस्त कलर आ जाए. एंड इसका टेम्परेचर हम थोड़ा और कम भी कर सकते हैं और ब्लू टोन डालने के लिए. अभी हमारे फेस पे एंड बाकी चीज़ों पे इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो हम कैसे करेंगे. यहाँ पे चलते हैं एंड एक ब्रश लेते हैं, पहले फ़ोटो को जूम कर लेते हैं. एंड अब लेते हैं एक ब्रश जस्ट अपने फेस पे एंड जो भी पार्ट आपका है शर्ट का, हाथ का, इन सब पे हम पेंट कर लेते हैं. सो देखिए इतना सिलेक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कलर्स के अंदर एंड इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि हमारी फ़ोटो थोड़ी सी वार्म टोन में हो जाए, हमारी स्किन और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो. तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा एंड देखिए क्या मस्त हमारी फोटो वार्म लग रही है. इसका हम टिंट भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं. सो मस्त हमारी फोटो में स्किन टोन्स बहुत सही हो चुकी है. तो इतना ही सही है आई गेस. इसको कहते हैं डन एंड ओवरऑल फोटो बहुत सही लग रही है. इसके बाद हम इसको ओवरऑल एक बार यहाँ से वाइब्रेंस और बढ़ा सकते हैं एंड इसका हम विनियट भी बढ़ा सकते हैं. तो थोड़ा सा विनियट कम करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी भी बढ़ा देंगे. इस फोटो में आपको अभी भी बैकग्राउंड की डिटेल्स दिख रही होगी यहाँ पर, ये देखिए ये जो चीज़ है. अगर आप इसमें डॉज एंड बर्न कर दो ये चीज़ें और सही हो सकती है एंड आपकी फोटो और ज़्यादा मस्त बन सकती है. इस फोटो को फाइनली पोस्ट करने से पहले मैंने इसमें डॉज एंड बर्न किया था एंड थोड़ा बहुत स्किन को भी स्मूथ किया था, तो फोटो हमारी बहुत मस्त बन गई थी. बट इस टाइप की कलर ग्रेडिंग आपको कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया एंड आई होप आपको सारा कुछ बहुत ही ईजिली समझ आ चुका होगा. एंड दैट्स इट. अगर आपको ये फोटो अच्छी लगी तो यार कमेंट करके जरूर से बताना आपको दोनों में से कौन सी फोटो बेस्ट लगी. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड ये फोटो हमने जो एडिट किया आपको ये दोनों फोटोज बहुत अच्छी लगी होंगी. एंड आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इस टाइप की फोटो हम कैसे एडिट करें. आई होप आपको अब बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका होगा. अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा. एंड अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो यार सब्सक्राइब करो, ऐसी कमाल की वीडियोस में डालते रहता हूं. एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो. जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड डेली पोस्ट रील्स वगैरह में डालते रहता हूं, तो वहां पे कनेक्टेड रहना. एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना. और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.